के लिए है इसलिए बांधे नहीं है। और ये जंपसूट पहना है, ट्रैवलिंग के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो देखते हैं सब लोगों से 11 साल बाद 10 साल बाद मिलना होगा, कैसा क्या रहेगा। पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर। मुझे निकलना है, चार्टर की बुकिंग है मेरी 6 बजे की। बस थोड़ी देर से मैं ऑटो या कैब बुक करती हूँ। सैटरडे 8 जून को मैं निकल गई थी इंदौर से भोपाल के लिए। मैंने कैब बुक कर ली थी, कैब वाले ने ही मुझे बस स्टॉप पे छोड़ा। एंड यहाँ से मेरी चार्टर्ड की बुकिंग थी, जिसने 9:30 मुझे लाल घाटी उतारा। लाल घाटी में ही एकता ने मुझे रिसीव कर लिया था। हमने नाइट स्टे यहाँ पे साथ में किया। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम 9 जून को जहाँ रिसॉर्ट बुक था वहाँ पे रेडी होके निकले। उसने मुझे बोला कि वेस्टर्न ड्रेस रख लेना। एंड उसके बाद यहाँ से भी हम कैब के थ्रू ही गए। रिसॉर्ट बहुत दूर था, बहुत भटके तब जाके मिला। बट जाने के बाद बहुत खुशी हुई, सबसे दोस्तों से मिलना हुआ, ब्रेकफास्ट रेडी था तो हमने यहाँ पे साथ में मिलके ब्रेकफास्ट किया। देन उसके बाद स्वीटी आ गई थी, ये दिल्ली में है और ये आई बस थोड़ी देर के लिए आई, बट बहुत अच्छा लगा। 1-2 घंटे रुकी, हमने साथ में पिक्चर क्लिक की, बहुत सारी कॉलेज की बातें की और बहुत अच्छा लगा। 11-12 साल बाद हम एक दूसरे से मिले थे, सब ने एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। उसके बाद थोड़ी मस्ती की, हमने यहाँ पे रूम में बैठ के डांस चल रहा था एंड सिंगिंग भी हो रही थी, खाना पीना चल रहा था यहाँ पे। ये दोनों तो कॉलेज के टाइम से ही डांसर हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने अपना ये हुनर दिखाया। और बहुत सारी हमने कॉलेज की बातें की, कैसे हमारी रैगिंग होती थी मेडिकल कॉलेज में, कैसे थे सब अपने अपने प्रोफेशन में, अभी क्या क्या कर रहे हैं, बस यही सब बातें कर रहे थे। और सब टच वुड, ये वाला जो हमारा बैच है वो बहुत सक्सेस है, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हैं सभी। देन डिनर लग गया था तो यहाँ पे सब ने साथ में मिलकर डिनर किया। हाय तो करते जाओ। हाय, हेलो, मैं आ रही हूँ। एकता हमारे पैच की सबसे जॉली मुझे की लड़की थी, जो आज भी वैसे ही है। तो वो भी यहाँ पे बहुत मस्ती कर रही थी, सबने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की एंड मेमोरी स्टोर की। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था तो हम सब स्विमिंग पूल पे आ गए थे। और मैं पहली बार पूल में उतरी थी, मुझे हाइड्रोफोबिया हो रहा था, पूल पूरा भरा था और मेरी हाइट बहुत कम थी तो मैं बहुत डर रही थी। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया एंड बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो बहुत डर रही थी और मेरी तरह ही सेम एकता भी डर रही थी। मुझे देख के फिर उसको हिम्मत आई एंड देन उसके बाद वो पूल में उतरी। अरे नहीं डूबेगी, अच्छा खड़ी हो जा, सीधे सीधे खड़ी हो, सीधे खड़ी हो, हाँ नहीं दर चल नीचे, हाँ नीचे, अब डूब रही है, उधर नीचे, नहीं नहीं डूब रही है, चल आजा नीचे, नीचे आना, नीचे आना, पैर रखना, पूरा पैर, तेरा पैर आएगा नीचे तक, यार भाई, पहले तू डूब, मतलब इसका मतलब क्या है कि खड़ी हो, खड़ी हो, हाँ खड़ी हो ना, बस यही पानी है, यही पानी है, हाँ धक्का नहीं देता, यही पानी है, तुरंत फील करो यही पानी है, बस हो गया, अपनी सांस नहीं आती। ओ भाई साहब, मजा आ गया, वाह वाह, अरे वाह, बहुत दूर दूर है यार ये लोग, क्या मैं मेरे को लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा, हां जी आ जा, क्या चल ज्योति कम ऑन, ओ माय गॉड, नाइट में हम पास में ही एक ढाबे पे चाय पीने के लिए आए और इस तरीके से हमने काफ़ी इन्जॉय किया। एंड लोग कहते हैं कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बट हमारा बैच बहुत अच्छा है और ये ट्रू फ्रेंडशिप है। मैं किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं थी, बस कभी कभार किसी काम की वजह से कॉन्टैक्ट हुआ। और मुझे लगता है 5 साल में मेरी उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी जितनी इन 2 दिनों में बनी। और अब सब बहुत मैच्योर हो चुके हैं। ये रूम थे जो बाहर ऊपर की तरफ थे, सेकंड फ्लोर पे,
तो सबके अलग अलग रूम थे यहाँ पे, हमने 8 रूम बुक किए हुए थे। इन्होंने ताश खेला लड़कों ने, बहुत बातें हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था, एकता और सुष्मिता यहाँ पे काफी इसके फेस पे फोकस करता हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि अब पता नहीं कब मिलेंगे और उस टाइम पे ये सब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। सब अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अभी भी आगे लोग भी आए थे। ये प्रत्यक्ष दर्शी लोग हैं, देखो ये जो उठ के सीधे आए हैं। ओह सुबह सुबह मुझे क्या हो रहा है देखो। हेलो भाई लोग, मैं भी हूँ। हमारा 2008-09 बैच था और इंटर्नशिप कंप्लीट हमारी 2013 में हुई थी, बट हम 2012 में ही अलग हो गए थे क्योंकि इंटर्नशिप सबने बाहर की, 1 मंथ ही हमने कॉलेज में किया। एंड करीब 12 साल बाद हम लोग मिले थे एंड बहुत मुश्किल था इस तरीके से विदा लेना, बट जाना तो था। तो बीच में ये बड़ा तालाब है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो जे है जितेंद्र जायसवाल, इसका बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर है उज्जैन में, एंड अभी तक सबसे टॉप ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में ये है, हमारी बैच का सबसे होनहार लड़का है अभी तो ये। तो ये ही उज्जैन तक आया था, तो मैं इसके साथ आगे इसने एक कॉलेज में थे भी लिया, जिसको हमने लाल घाटी को उतारा। थोड़ा सा वीडियो ले रही हूँ, इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। पहले मेरा ब्लॉगिंग का मन नहीं था, पर मैंने सोचा इस मेमोरेबल इवेंट को मैं कैप्चर करूँ एंड ब्लॉग के थ्रू यूट्यूब में सेव कर दूँ, ताकि मेमोरी रहे और हर कोई इसे इजीली देख पाए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।